नमस्कार, मैं अमरजीत कुमार आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी फाइंड में। दोस्तों, कल वाले वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 59 को देख लिए थे, आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 60 को देखने वाले। जी हां फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है कुल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूँ कि शाम में जो है 7 बजे जो लाइव टेस्ट लिया जाएगा, शाम 7 बजे, वो जो है दोस्तों इसी वीडियो से आप लोग को जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग का होमवर्क ये है कि इस वीडियो में बताए गए कुल 50 क्वेश्चन को जो है याद कर लेना है, और शाम 7 बजे आप लोग का जो है रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज का यह क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। आप सभी को जो है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सप्तऋषि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है। उससे पहले जो है दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सबसे नज़दीक जो है वह है क्षोभ मंडल है, उसके बाद है समताप मंडल है, उसके बाद है मध मंडल, उसके बाद है आयन मंडल, उसके बाद है बहिर्मंडल। ठीक है, तो ओजोन मंडल जो है दोस्तों यह जो है समताप मंडल में स्थित है। कौन सा मंडल में? समताप मंडल में। और इसकी जो है ऊंचाई है पृथ्वी से 40 से 50 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 40 से 50 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है किस डिग्री अक्षांश के पास। तो 23.5 डिग्री अक्षांश के पास जो है मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 डिग्री अक्षांश के पास। चलिए इसमें कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न होती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक में जो है मुख्य अंतर यह है कि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह जो है कोर्ट जा सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नीति निर्देशक में उल्लंघन होता है तो वह जो है कोर्ट नहीं जा सकता है। इसका जो है मुख्य अंतर इतना ही है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्देश प्रवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार प्रवर्तनीय है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत की राष्ट्रीय भाषा का जो है संबंध वह अनुसूची 8वीं अनुसूची से है। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का जो प्रशासन का जो है संबंध वह अनुसूची 5वां से है। न्यायिक पूर्वालोकन का जो है संबंध वह अनुसूची 9वीं अनुसूची से है। ठीक है, और दोस्तों दल बदल विरोधी कानून का जो है संबंध वह अनुसूची 10वीं अनुसूची से है। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, जब भी आप लोगों से पूछ दे कि 10वीं अनुसूची में जो है किसका वर्णन है तो आप लोग जो है ऐसे सोचिएगा, 2 से होता है 10, 2 से होता है दल बदल होता है। ठीक है, 2 से 10, 2 से दल बदल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। इस क्वेश्चन को हमने आप लोग को जो है कई बार बताया है दोस्तों। तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा में जो है 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जा सकता है, और लोकसभा में जो है दोस्तों केवल 2 व्यक्ति को मनोनीत किया जा सकता है। अगर हम लोग जो है कुल की बात करें तो कुल जो है 14 व्यक्ति को मनोनीत किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 व्यक्ति को जो है मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें कह रहा दोस्तों आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो वह जो है दोस्तों 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है मतदाता का उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 61वें संविधान संशोधन। और यह कब हुआ था, यह हुआ था 1989 में हुआ था, और इस टाइम जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इस टाइम थे भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी थे इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है
भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? सबसे आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों जन्म द्वारा जो है कोई भी व्यक्ति जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, देशीयकरण के द्वारा भी जो है नागरिकता प्राप्त कर सकता है, किसी भूभाग में सम्मिलित होने पर भी जो है वह जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके जो है वह भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों, संविधान में मंत्रिमंडल या फिर कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक ही बार किया हुआ है, किस अनुच्छेद में किया हुआ है? तो वह जो है दोस्तों अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है संविधान में मंत्रिमंडल या फिर कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दोस्तों, इस शब्द को कब जोड़ा गया था? तो इस शब्द को जो है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत जो है जोड़ा गया था, कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल शब्द को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, गौर कीजिएगा दोस्तों। इसमें कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार जो है राज्य की विधायिका में सम्मिलित है केवल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल चार, ठीक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें कह रहा है राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्यों? तो दोस्तों राज्यसभा का जो है कार्यकाल वह जो है 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए, और इसको जो है कभी भी जो है भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी भी होगा और ऑप्शन नंबर सी भी होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब इनकी डी होगा, बी और सी दोनों सही है, ठीक है? और दोस्तों इसमें जो है आप लोग को एक बात और ध्यान में रखना चाहिए कि लोकसभा का जो है कार्यकाल वह केवल 5 वर्षों के लिए होता है, ठीक है? राज्यसभा का जो है कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है और लोकसभा का जो है कार्यकाल केवल 5 वर्षों के लिए होता है, ठीक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि क्षमादान वह कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वह जो है कभी भी हटा नहीं सकता है राष्ट्रपति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए दोस्तों, वह जो है आपातकाल की भी घोषणा कर सकती है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, साथ ही साथ वह जो है अध्यादेश भी जारी कर सकती है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वह जो है हटा नहीं सकते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें देखिएगा दोस्तों, इसमें कह रहा है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वह जो है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें करा दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, कौन से संविधान में जो है जोड़ा गया है उसे? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जो है जोड़ा गया था, और कौन से भाग में? तो भाग जो है 4 के क में जोड़ा गया है, साथ ही साथ अनुच्छेद जो है 51 के क में जो है इसे जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को, 51 के क में या फिर ए में जो है इसे जोड़ा गया है, ठीक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें कह रहा है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को जो है पारित किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है। तो दोस्तों भारत का जो है 73वां संशोधन जो है हुआ था, वह हुआ था 11वीं अनुसूची में,
कौन से में, तो 11वीं अनुसूची में हुआ था, और यह जो है 73वां जो है संशोधन जो है यह 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसके अंतर्गत जो है दोस्तों पंचायत चुनावों को आदेशात्मक और लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो दोस्तों मुद्रा की मात्रा जो है वह आर्थिक विकास के लिए जो है महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा की मात्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो भारत सरकार की जो है आय का जो है सबसे बड़ा स्रोत है वह है उत्पाद कर। क्या है? उत्पाद कर। इसके अंतर्गत जो है दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर आता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है भारत में सबसे प्राचीन वृहत स्तरीय उद्योग कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो है सबसे प्राचीन वृहत स्तरीय उद्योग है वह है कपास उद्योग है। कौन है? तो कपास उद्योग है। इसके अंतर्गत जो है दोस्तों भारत में जो है प्रथम कपड़ा उद्योग जो है भारत में प्रथम कपड़ा उद्योग 1951 में जो है स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों लोहा एवं इस्पात उद्योग की स्थापना जो है 1873 ईस्वी में किया गया था, और पटसन उद्योग की स्थापना जो है 1855 में किया गया था, और कपास उद्योग की स्थापना या फिर कपड़ा उद्योग की स्थापना जो है 1851 में किया गया था, ठीक है। और कागज उद्योग की स्थापना जो है दोस्तों 1870 में किया गया था। तो इसमें जो है इन सभी में जो है सबसे प्राचीन है कपास उद्योग या फिर कपड़ा उद्योग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है दोस्तों जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। तो दोस्तों उससे पहले हम लोग जानते हैं कि भारतीय जीवन बीमा की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1 सितंबर 1956 ईस्वी को किया गया था, भारतीय जीवन बीमा की स्थापना। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो है मुख्यालय है बम्बई है, ठीक है। और यह जो है दोस्तों एक जो है निवेश बैंक का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निवेश बैंक का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। तो वह जो है दोस्तों कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में जो है निर्धारित होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो दोस्तों तापीय से जो है दोस्तों भारत में जो है 80% विद्युत का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तापीय। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है दोस्तों अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों अंत्योदय कार्यक्रम की जो है शुरुआत वह किया गया था 2000 ईस्वी में। कब किया गया था? 2000 ईस्वी में। और इसका जो है मुख्य उद्देश्य यह था कि गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है कवि वान भट्ट कहाँ का निवासी था? वान भट्ट या फिर वान? तो दोस्तों वान जो था यह जो है भोजपुर का निवासी था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोजपुर का। अब देखिए दोस्तों वान भट्ट जो है यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वान भट्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोजपुर का निवासी था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 8 अगस्त 1942 को जो है शुरू किया गया था, ठीक है। और इसका जो है इनकी प्रभाव जो है सबसे अधिक बिहार और गुजरात में पड़ा था, सॉरी बिहार और संयुक्त प्रांत में पड़ा था। तो इसका आंसर होगा 1 और 4 दोनों, ठीक है।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा एक और चार दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, इसमें कह रहा दोस्तों भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। उससे पहले जो है दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। और इसका जो है, इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वह होता है प्रधानमंत्री ही होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। अभी देखिए दोस्तों, अभी जो है योजना आयोग को जो है स्थगित किया हुआ है, इसके स्थान पर जो है नीति आयोग जो है अभी चल रहा है, नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना जो है दोस्तों 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था, और इसका भी जो है पदेन अध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, इसमें कह रहा दोस्तों योजना आयोग का स्वरूप क्या है। तो योजना आयोग का जो है स्वरूप हुआ है परामर्शदात्री संस्था है, क्या है, परामर्शदात्री संस्था है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें कह रहा है भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः। तो दोस्तों भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहने का मुख्य कारण यह है कि अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, इसमें कह रहा दोस्तों भारत की आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। दोस्तों इस प्रकार के जो है क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग को जो है पूरा पंचवर्षीय योजना का काल जो है याद रहना जरूरी है। जो पहला हुआ था पंचवर्षीय योजना वह जो है उसका काल था दोस्तों 1951 से 1956 के बीच था, 1951 से 1956 के बीच। जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था उसका काल था 1956 से 61 के बीच। दो तीसरा हुआ था उसका काल था 1961 से 66 के बीच। जो चौथा हुआ था दोस्तों उसका काल था 1969 से 74 के बीच। जो पांचवा हुआ था दोस्तों उसका काल था दोस्तों 1974 से 1989 के बीच। जो छठा हुआ था उसका काल था दोस्तों 1980 से 85 के बीच, ठीक है। जो सातवां हुआ था उसका काल था दोस्तों एक मिनट, जो सातवां हुआ था उसका काल था 1985 से 90 के बीच, 1985 से 90 के बीच। जो आठवां हुआ था पंचवर्षीय योजना उसका काल था दोस्तों 1992 से 97 के बीच, ठीक है। जो नौवां हुआ था उसका काल था दोस्तों 1997 से लेकर 2012 के बीच, ठीक है, सॉरी 2002 के बीच हुआ था। जो दसवां हुआ था दोस्तों उसका काल था 2002 से लेकर 2007 के बीच हुआ था, ठीक है। जो ग्यारहवें हुआ था उसका काल था दोस्तों 2007 से 2012 के बीच था। जो बारहवां हुआ था उसका जो काल है दोस्तों, जो बारहवां हुआ है उसका काल था दोस्तों 2012 से 17 के बीच था, ठीक है। तो आप लोग को जो है यह जो है पूरा काल जो है याद कर लेना चाहिए, क्योंकि जो है इससे जो है आप लोग से मतलब जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक था, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना का काल था 1992 से 97 के बीच, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1992 से 97 के बीच, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, इसमें कह रहा दोस्तों निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो दोस्तों कदम जो है यह जो है ब्राह्मण्य राजवंश से संबंधित है, किस वंश से, तो ब्राह्मण्य राजवंश से जो है यह संबंधित है। और बाकी जो दिया हुआ है चोल पांडे और चेर यह जो है सभी संगम साहित्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कदम्ब। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें करा दोस्तों यदि एक ऐनक के लेंसों की शक्ति प्लस दो डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि लेंस का जो है डायोप्टर का फॉर्मूला होता है 1/ फोकस दूरी होता है फॉर्मूला, और हम लोग को जो है निकालना है एफ निकालना, तो एफ जब निकालेंगे तो एफ का जो है मान हो जाएगा 1/d, और 1/d के स्थान पर हम लोग जो है दो रखेंगे, यह हो गया मीटर में हो गया, अर्थात f बराबर हो गया आधा मीटर हो गया, यानी कि 1/2 मीटर हो गया।
और आंसर दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो मीटर को जब हम लोग जो है सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो उसको जो है 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसको जो है काट दीजिएगा, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको जो है सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है दोस्तों P बराबर दिया हुआ है 100 वाट दिया हुआ है, साथ ही साथ इसमें जो है टाइम दिया हुआ है 10 घंटा दिया हुआ है। तो बिजली की खर्च को निकालने के लिए जो है दोस्तों हम लोग जो है पावर और टाइम को जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो खर्च बराबर हो जाएगा दोस्तों पी इंटू टी, ठीक है। तो यह जो है दोस्तों 1000 वाट घंटा हो गया, और हम लोग जानते हैं कि 1000 वाट घंटा को हम लोग कहते हैं एक यूनिट कहते हैं, क्या कहते हैं एक यूनिट कहते हैं, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है भारी पानी वह पानी होता है, तो भारी पानी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, भारी पानी का फॉर्मूला होता है D2O होता है, और इसका जो है रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है नाम, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जो पहला नाम है उसका नाम है दोस्तों प्रोटियम, जो दूसरा है उसका नाम है ड्यूटेरियम, जो तीसरा नाम है उसका नाम है ट्रेटियम। तो इसमें जो है दोस्तों डी जो है यहाँ पे ड्यूटेरियम है, तो यह जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, अर्थात इसके स्थान पे जो है एच होना चाहिए, लेकिन इसके स्थान पे जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक जो है स्थान ले लिया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों। तो दोस्तों लकड़ी की तुलना में जो है लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है, इस कारण जो है लोहा जो है ठंडा लगता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी गैस है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि नाइट्रोजन जो है यह सबसे अधिक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह है उसका नाम है बुध नाम है, क्या नाम है बुध, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का जो है तापमान कितना होता है। तो सेल्सियस स्केल पर होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगर इसमें कहता कि फारेनहाइट स्केल पर, तो फारेनहाइट स्केल पर होता है 98.4 डिग्री फारेनहाइट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें कह रहा दोस्तों परमाणु के नाभिक के अवयव हैं, यानी कि परमाणु के जो है नाभिक में कौन कौन से होते हैं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें देखिएगा दोस्तों, इसमें कह रहा है मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन का क्या नाम है। तो उसका नाम है दोस्तों एलिथ्रीन नाम है, क्या नाम है एलिथ्रीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको जो है याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एलिथ्रीन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें, आइसोटोप मतलब हुआ दोस्तों समस्थानिक हुआ, क्या मतलब हुआ समस्थानिक हुआ। और हम लोग जानते हैं समस्थानिक के बारे में, अगर किसी एलिमेंट का जो है परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो उसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। और परमाणु संख्या जो है हमेशा प्रोटॉन पर डिपेंड करता है, और परमाणु द्रव्यमान जो है हमेशा न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जब भी न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी तो उसका जो है परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न होगा, तो यह जो है दोस्तों एक समस्थानिक हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है दोस्तों 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है लगभग। तो हम लोग जानते हैं कि 206 हड्डी होती है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 206। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें कह रहा है चिली साल्ट पिटर का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों चिली साल्ट पिटर जो है यह सोडियम नाइट्रेट का व्यापारिक नाम है। ठीक है, चिली साल्ट पिटर, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। अब देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट का जो है व्यापारिक नाम है सोडा। क्या नाम है? सोडा नाम है व्यापारिक नाम। और सोडियम मतलब बाइकार्बोनेट का जो है व्यापारिक नाम है दोस्तों बेकिंग सोडा। क्या नाम है? बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का। देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट का जो है व्यापारिक नाम है दोस्तों लूनर कास्टिक नाम है। क्या नाम है? लूनर कास्टिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, तो आप लोग को जो है इतना बात इसमें जो है याद कर लेना चाहिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम नाइट्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है दोस्तों क्वथनांक बढ़ता है, तो दोस्तों दबाव बढ़ाने से जो है क्वथनांक का मान जो है बढ़ जाता है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसमें कह रहा है दोस्तों किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है, उस बीमारी का नाम है दोस्तों मेनिनजाइटिस नाम है। क्या नाम है? मेनिनजाइटिस, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अवस्था में रहता है, तो दोस्तों ब्यूटेन जो है यह द्रव अवस्था में रहता है। आप लोग के घर में जो है सिलेंडर होगा अर्थात एलपीजी गैस होगा दोस्तों, उसमें देखिएगा जब आप लोग जो है गैस को निकालिएगा तो उसमें जो है द्रव मतलब जो है निकलेगा, तो वह जो है दोस्तों ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्यूटेन। इसमें देखिएगा दोस्तों इसमें कह रहा है गर्भवती महिलाओं में निम्नलिखित में से किस एलिमेंट की कमी देखने को मिलती है, तो दोस्तों गर्भवती महिला में जो है आयरन की कमी रहती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आयरन। चलिए इसमें कह रहा है दोस्तों मेढक में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो है प्रजनन होता है, तो दोस्तों मेढक में जो है बाह्य प्रजनन होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाह्य प्रजनन, यानी कि बाहरे बाहरे से होता है प्रजनन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है दोस्तों सबसे ज़्यादा रोग निम्नलिखित में से किस में फैलता है, किससे फैलता है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है रोग वह जो है मच्छर से फैलता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मच्छर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है दोस्तों नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है, तो उसको जो है दोस्तों शैवाल कहा जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शैवाल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है आज का यह क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से आज शाम 7 बजे लाइव टेस्ट में। जय हिंद दोस्तों।